हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दवा रेनेटिडिन के बारे में। इसका यूज क्या है, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, डोज क्या है और साइड इफेक्ट क्या होता है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न हेल्थ मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। हेलो फ्रेंड, जानते हैं आज रेनेटिडिन के बारे में। यह S2 ब्लॉकर्स ग्रुप की दवा है। यह दवा का जेनरिक नेम है। यह पेट में एसिड की मात्रा को कम करने का काम करता है। यह अल्सर को ठीक करके उसे दोबारा होने से रोकता है। रेनेटिडिन दवा के ब्रांड मार्केट में जिनटेक, रेंटेक और एसलोक नाम से अवेलेबल हैं। इसके अलावा एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग नाम से अवेलेबल होते हैं। रेनेटिडिन दवा का स्ट्रेंथ 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम की टैबलेट में अवेलेबल रहती है। इसकी टैबलेट फिल्म कोटेड रहती है, इसे तोड़ना और पीसना नहीं चाहिए। रेनेटिडिन कैप्सूल और सिरप फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। इसे आप बिना डॉक्टर के पर्चे के भी मार्केट में मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं रेनेटिडिन के यूज के बारे में। यह पेट और आंतों में जो छाले होते हैं उसको ट्रीटमेंट करते समय काम ली जाती है और इन छालों को वापस नहीं होने से रोकती है। यह दवा गले और पेट की कुछ परेशानियां हैं और बीमारियां हैं उसमें भी काम आती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, खट्टी डकारे आना, सीने में जलन होना, साथ ही पेट का फूल जाना, पेट में भारीपन लगना, पेट में दर्द लगना या गले में निगलने में परेशानी हो, जलन हो या गले में सूखापन हो, बार बार प्यास लगे, इन सब बीमारियों में रेनेटिडिन का यूज लिया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दवा रेनेटिडिन का साइड इफ़ेक्ट कॉमनली सर में दर्द, कब्ज होना, दस्त लगना, उल्टी लगना या मतली आना, पेट में एनर्जी सा फील होना। इसके अलावा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होने पर दवा को रोक देना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। दवा रेनेटिडिन को लेने का सही तरीका जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। यह दवा खाने के पहले और खाने के बाद दोनों समय में ली जाती है, लेकिन इसको खाने के 30 से 60 मिनट पहले लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही जब तक आपको डॉक्टर की सलाह न हो तब तक 24 घंटे में 2 से अधिक गोलियां का सेवन नहीं करना चाहिए। एल्कोहलिक पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इन लोगों को दवा रेनेटिडिन का सेवन डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। ये था इंट्रोडक्शन दवा रेनेटिडिन के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स, हैव ए गुड डे।